वेलकम दोस्तों, एसजे ट्रेडर्स की और एक वीडियो में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी ने आज क्या किया। फ्रेंड्स, बैंक निफ्टी के बारे में अगर मैं बोलूं तो मैंने आपको जो लेवल दिए थे टारगेट में 37,709 और उसका ओपनिंग हुआ है आज 37,861। तो मैंने जो टारगेट दिया था उसके पास ही उसने गैप अप ओपन कर दिया फ्रेंड्स, और वहाँ से उसने सीधा हाई मारा 38,763 के पास उसका हाई मारा। तो आज लेवल के हिसाब से हमें ट्रेड करने का चांस नहीं मिला होगा फ्रेंड्स, क्योंकि ये गैप ओपन हो गया। ओके, तो आइए देखते हैं कि वन डे के कैंडल में क्या सीनरी बन रहा है फ्रेंड्स। वन डे के कैंडल में आप देखोगे तो ये पूरा बुलिश कैंडल बना है आज, और वो इसलिए बना क्योंकि HDFC और HDFC बैंक दोनों मर्ज होने वाले हैं। इसी न्यूज़ की वजह से आज बैंक निफ्टी 1500 पॉइंट प्लस हुआ और निफ्टी करीबन 382 या 400 पॉइंट के करीब प्लस हुआ आज। तो आइए देखते हैं कि कल बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है। इसके लिए मैं ये पूरा लेवल निकाल लेता हूं मैं, और वन डे के कैंडल में देखते हैं तो उसका हाई मारा है 38,765 और उसका क्लोजिंग हुआ है 38,635 पे। अगर कल टुमारो अगर कल बैंक निफ्टी 38,751 निकालेगा तो उसका पहला टारगेट आएगा अपसाइड में फ्रेंड्स। 38,635 पे क्लोजिंग हुआ है, और कल अगर बैंक निफ्टी 38,720 निकालेगा 740 निकालेगा तो उसका पहला टारगेट आएगा फ्रेंड्स, ये गैप जो पड़ा है इसको फिल करने के लिए आएगा, जिसका टारगेट आएगा 38,920। और दूसरा टारगेट अपसाइड में आ सकता है फ्रेंड्स 39,150। और डाउन की साइड में देख लेते हैं फ्रेंड्स कि डाउन की साइड में अगर फ्रेंड्स 38,490 ब्रेक करेगा तो उसका पहला टारगेट डाउन की साइड में आएगा फ्रेंड्स 38,280, और दूसरा टारगेट डाउन की साइड में आ सकता है फ्रेंड्स 38,075। ये हो गया बैंक निफ्टी का। उसके मैं प्राइस लेवल भी लगा लेता हूँ फ्रेंड्स 38,490 ब्रेक करेगा तो डाउन की साइड में पहला टारगेट 38,280 और दूसरा टारगेट आएगा डाउन की साइड में 38,660। और अपसाइड में अगर फ्रेंड्स ये 38,760 ब्रेक करेगा तो पहला टारगेट आएगा अपसाइड में उसका 38,920 और दूसरा टारगेट आएगा उसका 39,155। और ये हमारा हो गया है फ्रेंड्स नो ट्रेडिंग जोन, यानी फ्लैट जोन हमारा। ओके, आइए देखते हैं निफ्टी ने आज क्या किया है फ्रेंड्स। निफ्टी में आप देखोगे तो उसका ओपनिंग भी हुआ है आज, उसका ओपनिंग हुआ है 70,809 पे, और मैंने जो टारगेट आपको दिया था पहला वाला 70,800 वो उसके ऊपर उसने ओपन किया, और सेकंड टारगेट मैंने जो आपको दिया था 70,924 वो उसने अचीव कर लिया, और उसका हाई मारा है उसने फ्रेंड्स 18,114 पे, और उसका क्लोजिंग हुआ है 18,053 पे उसका क्लोजिंग हुआ है। तो आइए देखते हैं कि कल निफ्टी क्या कर सकती है। इसके लिए मैं 50 मिनट का चार्ट लगा लेता हूँ फ्रेंड्स। अगर कल टुमारो डाउन की साइड में फ्रेंड्स अगर ये 70,990 ब्रेक करेगा तो पहला टारगेट डाउन की साइड में आ सकता है उसका 70,921 और दूसरा टारगेट आ सकता है उसका 70,800। और अपसाइड में अगर फ्रेंड्स ये 18,000 साइड निकालेगा तो उसका पहला टारगेट आएगा अपसाइड में फ्रेंड्स, उसका पहला टारगेट आएगा देखते हैं 18,000 साइड निकालेगा अपसाइड में तो उसका पहला टारगेट आ सकता है 18,130 और दूसरा टारगेट आ सकता है अपसाइड में फ्रेंड्स 18,200। ये हो गया हमारा निफ्टी का। तो मैं आपको प्राइस लेवल भी लगा दे प्राइस लेवल लगा लेता हूँ फ्रेंड्स 17,990 के नीचे जाएगा तो पहला टारगेट आएगा 17,920 और दूसरा टारगेट आएगा डाउन के साइड में 17,812। और अपसाइड में अगर आप
तो 18,000 साइड निकालेगा तो पहला टारगेट आएगा 18,130 और दूसरा टारगेट आएगा अपसाइड में 18,212। और ये हो गया हमारा नो ट्रेडिंग जोन, यहाँ से ये वाला। ओके फ्रेंड्स, फ्रेंड्स ये हमारी ऐसे ट्रेडर्स नाम की यूट्यूब चैनल है। इस वीडियो को आप अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर किसी को डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक से आप न्यू डीमैट अकाउंट ओपन भी कर सकते हो। फ्रेंड्स मैं ये वीडियो एजुकेशन पर्पस से ही बनाता हूँ, अगर आपको अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।